सो हेलो गाइस, तो कैसे हैं सब लोग? नए वीडियो में आ चुका था गाइस। आज के वीडियो में हम लोग जर्नी करने जा रहे हैं ट्रेन नंबर 13162 डाउन बालूरघाट कोलकाता तेभागा एक्सप्रेस में, जो कि अभी गाजोल के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ी है। और हाँ गाइस, आज का ये जो जर्नी है एक बिल्कुल ही नए रूट पर होने जा रहा है, मतलब एक नया सेक्शन में होने जा रहा है, जो कि है अपना एकलकी बालूरघाट ब्रांच लाइन में, ठीक है, जो सिंगल लाइन वाला सेक्शन है उसमें होने जा रहा है। एक नया सिंगल लाइन सेक्शन है जो कि अनइलेक्ट्रीफाइड है, लेकिन इसमें अभी वायरिंग और जो पोल लगाने का काम है वो हो चुका है कम्प्लीट। और गाजोल तक तो इलेक्ट्रीफाइड है ही, लेकिन बालूघाट तक इसे इलेक्ट्रीफाइड अभी तक किया गया नहीं है, और क्योंकि बीच में बहुत से TSS और SSPs अभी तक बनाए नहीं गए हैं। तो गाजोल तक तो इसे अपना एकलकी से जो है अपना जो डबल लाइन है ना, मेन लाइन, वहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिसिटी भेजा जाता है ये OHEs में। तो यहाँ तक तो इलेक्ट्रीफाइड है, लेकिन इसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कुछ भी हुआ नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं ये वायर्स में। तो अभी फ़िलहाल हम लोग गाजोल रेलवे स्टेशन में खड़े हैं और यहाँ डिपार्चर का टाइम हो चुका है। हम लोग बातें करते करते ही 2 मिनट लेट हो चुका है, ठीक है, मतलब 2 मिनट नहीं, 1 मिनट, हाँ अभी 2 मिनट होने वाला है। हमें ग्रीन सिग्नल भी मिल चुका है और अभी हम लोग डिपार्ट करेंगे। और हाँ, आज का हम लोग का लोको इन लीड है अपना हावड़ा का WDM3D, जिसका की रोड नंबर है 11333। तो चलिए अभी हम लोग डिपार्ट करते हैं। और आज का ये गेम प्ले गाइस शायद से एकलकी जंक्शन तक होगा या फिर अडीना जंक्शन तक, अडीना तक, ठीक है, पता नहीं कहाँ तक होगा, लेकिन देखते हैं। मैं ये वाला गेम प्ले थोड़ा छोटा बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद वाला जो गेम प्ले है ना वो गो लिंक एक्सप्रेस का होगा, जो कि थोड़ा बड़ा गेम प्ले हो सकता है। तो ये वाला का पता नहीं कहाँ तक होगा, देखते आगे क्या होता है। और गाइस सिंगल लाइन वाला सेक्शन है तो क्रॉसिंग तो शायद होगा ही, पता नहीं, मुझे नहीं लगता क्रॉसिंग और होने वाला है, क्योंकि यही लास्ट स्टेशन था इस सिंगल लाइन का जहाँ क्रॉसिंग हो सकता था, लेकिन यहाँ हुआ नहीं। और अपना WDM3D जो है चगिंग करते हुए आगे बढ़ चुकी है। और इधर आप लोग देख सकते हैं एक छोटा सा तालाब बना हुआ है, तो इसी तालाब के बगल में से हम लोग निकल गए। और गाइस इस ट्रेन के बारे में एक फन फैक्ट भी है, मैं वो आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, अपने ट्रेन को पूरा निकल जाने दीजिए। चलिए अभी बता देता हूँ गाइस। हाँ, तो मैं बोल ये रहा था कि इस ट्रेन का फन फैक्ट ये है कि इसमें ये पहले 2 जनरल के कोचेस के बाद ना, ये देखिए यहाँ 2 स्लीपर के कोचेस भी है और 1 AC Sleeper 3 Tier का कोच भी है, जो कि असल में लगता नहीं है गाइस, ठीक है, जो कि असल में यूज़ किया जाता नहीं है। मैंने रेल इंडिया इन्फो के वेबसाइट में देखा इस ट्रेन का कोच कॉम्पोजिशन क्या है, उसमें देख के मैं शॉक हो गया कि AC 3 Tier का कोच और 2 स्लीपर का कोचेस भी एक्स्ट्रा ऐड किया गया है पैसेंजर्स के रश को क्लियर करने के लिए, ठीक है। पता नहीं है रियल लाइफ में ये सही में हो भी रहा है कि नहीं, तो मैं तो रेल इंडिया के वेबसाइट से निकाल के यहाँ कोच कॉम्पोजिशन बना दिया है, पता नहीं रियल लाइफ में क्या होता होगा। असल में मैंने इस ट्रेन में ट्रैवल किया है, लेकिन अभी कौन सा कंपोजिशन चल रहा है कोच का वो नहीं पता मुझे ठीक से। और अभी हम लोग एकदम खेतों के बीच में से गुजर रहे, बहुत से छोटे छोटे घर भी है इधर। हम लोग स्पीड थोड़ा और इंक्रीज करेंगे, आप लोग ट्रैक्शन एंजॉय कीजिए, ठीक है। और इधर अपना ट्रेन एक्सलेशन कर रहा है अच्छा खासा, 61-62 के स्पीड में भी चल रहा है। और हाँ गाइस, ये जो स्टेशन का डिस्टेंस है ना गाजोल और एकलकी जंक्शन के बीच में, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, 17 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो इसका मतलब मुझे स्किप करके दिखाना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि ये गेम प्ले छोटा होने वाला है और डिस्टेंस इतना ही है 17 किलोमीटर्स का, तो थोड़ा बहुत जगह मैं स्किप करूँगा, थोड़ा बहुत जगह आपको दिखा दूँगा, ठीक है, कमेंट्री करते हुए दिखा दूँगा। और इधर आप लोग देख सकते शर्ब्स जैसे जो होते हैं ना प्लांट्स, वो सब इधर लगा के रखा गया है।
एकदम गांव टाइप का फील आ रहा है गाइस, जैसे कि एकदम खेतों के बीच बीच में से गुजरते हैं ना, वैसे एकदम डिट्टो वैसा ही फील आ रहा है। और अभी हम लोग अपने लोगों के पास आ चुके हैं। देखने वाली बात ये है गाइस कि ये गाड़ी अपने को एक लकी जंक्शन कितनी देर में पहुंचा देता है। अब क्योंकि ये WDM3D है तो अच्छा खासा स्पीड तो होगा ही, WDM3 जैसे तो इसका स्पीड अच्छा ही है। और ईस्टर्न रेलवे का ये लोकोमोटिव है हावड़ा शेड का, देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं। और हाँ गाइस, इसके बाद वाला जो गेम प्ले है ना, जो गो लिंक एक्सप्रेस का, वो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कंटेंट की कमी हो रही थी और ये एक नया सेक्शन बन चुका था। यहाँ पर भी बहुत से ट्रेन चलते हैं तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को जो है वोटिंग के लिए दे दूँ कौन सा ट्रेन में मुझे जर्नी करना चाहिए नेक्स्ट, ये 13162 डाउन तेभागा एक्सप्रेस में या फिर 13152 अप गोल्ड लिंक एक्सप्रेस में। ठीक है, तो गोल्ड लिंक एक्सप्रेस जो है अपना सियालदा से लेकर बालूरघाट तक चलता है और उसका जो मेन रेक है ना वो मालदा में ही जो है रख दिया जाता है, क्योंकि जो मेन गोल्ड एक्सप्रेस है ना सियालदा से चल के मालदा तक आता है। और उसके बाद जो स्लिप कोचेस है, जो आधा कोचेस है, उसको बालूरघाट भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम है। और जब बालूरघाट आता है ना गाइस, उसके पीछे जो है अपना मालदा टाउन बालूरघाट इंटरसिटी का रेक भी ला के भेज दिया जाता है, जो कि बाद में यूज़ किया जाता है एज 15463 ऑफ बालूरघाट सिलीगुड़ी इंटरसिटी एक्सप्रेस, उसी रेक को वापस से यूज़ किया कर लिया जाता है इंटरसिटी का रेक। तो अगला गेम प्ले गोल्ड लिंक एक्सप्रेस में होगा, उसमें आपको बताने के लिए बहुत कुछ है, बहुत से डिटेल्स है उसमें, वो मैं आपसे को बता दूंगा। चलिए स्पीड थोड़ा और इंक्रीज कर देते हैं। मैं ये गेम प्ले हाइस्ट 15 मिनट के लिए करूँगा, ठीक है, उसके बाद मैं ये गेम प्ले को एंड करने का कोशिश करूँगा ताकि 20 मिनट के अंदर पूरा का पूरा गेम प्ले जो है समाप्त हो जाए। यहाँ आप लोग देख सकते हैं एकदम भयंकर वाला चगिंग कर रहा है अपना एल्को, इधर आप लोग देख लीजिए एकदम भयंकर वाला चगिंग करते हुए आगे की ओर बढ़ रही है अपने एल्को लोकोमोटिव 13162 डाउन को लेकर। सही है, देखते हैं कितनी देर में हम लोग पहुँचेंगे अपने डेस्टिनेशन की ओर, मतलब अपने आगे हॉल की ओर। ओके गाइस, तो अभी हम लोग वापस आ चुके हैं अपने ट्रेन के पास और अभी थोड़ी देर में हम लोग जो है एक लकी जंक्शन पहुंचने वाले। वैसे मैं चेयर करके कुछ इसके यहाँ क्या करता हूँ। ओके, सो सामने यहाँ हम लोग को ग्रीन सिग्नल भी दे के रखा गया है और सामने एक ब्यूटीफुल एक कर्व आने वाला है, मतलब बहुत बढ़िया सा एक कर्व आने वाला है। ठीक है, ये कर्व जो है NFR रूट का, मतलब इस रूट का वन ऑफ द बिगेस्ट कर्व है। ठीक है, मैं वन ऑफ द इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें इस रूट में और भी बहुत बड़े कर्व्स है जो कि मैं रैंक नहीं कर पाता कि कौन सा सबसे बड़ा है कौन सा सबसे छोटा है। तो यहाँ मैं अभी स्पीड थोड़ा रिड्यूस कर देता हूँ। सो यहाँ अभी हम लोग कर्व ले रहे हैं एक लकी जंक्शन की ओर। और अपनी ट्रेन अभी 71 किलोमीटर पर आके स्पीड पे चल रही है और भी हम लोग आ चुके हैं चेयर करके कोचेस के पास। हाँ, व्यू देखिए गाइस, एकदम बढ़िया और स्मूथ कर। देखते हैं अभी हम लोग अपने निर्धारित समय पे पहुंच पाते हैं कि नहीं। अपना करेक्ट टाइम जो है एक लकी जंक्शन में अराइवल का है वो है 7:13, लेकिन अभी हो रहा है 7:11 और अभी हम लोग आउटर्स में घूम रहे हैं। और आप लोग देख सकते हैं न्यू जलपाईगुड़ी हावड़ा डबल लाइन भी आ चुका है जो कि अभी हम लोग ज्वाइन करने वाले हैं।
धीरे धीरे और स्पीड रिड्यूस कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग जो है लूप में एंटर करेंगे। कितना बढ़िया कर्व है गाइस, देखिए आप लोग पीछे से भी देख लीजिए, एकदम स्मूथ कर्व है। और बगल में यहाँ अपना डबल लाइन भी आ चुका है, चलिए अभी हम स्पीड और रिड्यूस करेंगे। तो आउटर से जो है हम लोगों ने लूप लाइन में एंट्री कर लिया है और अभी अपनी ट्रेन बढ़ रही है एक लकी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 या फिर 2 की ओर। ठीक है, मुझे भी ठीक से नहीं पता किस प्लेटफॉर्म में ट्रेन जाएगी। ओके गाइस, प्लेटफॉर्म नंबर 1 में जाने वाली है क्योंकि इधर आप लोग देख सकते हैं यहाँ सिग्नल के ऊपर जो व्हाइट लाइट्स है वो इंडिकेट कर रही है कि ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर जाएगी। वैसे इस ट्रेन का जो है एक लकी जंक्शन में प्लेटफॉर्म नंबर 3 में इसका रेगुलर अराइवल होता है, लेकिन इस बार जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 में दिया गया है, तो ज़रूर कोई कारण होगा, देखते हैं क्या होता है आगे आगे। एकदम स्मूथली अराइव कर रहे हैं हम लोग। एकदम स्मूथली अराइव कर रहे हैं एक लकी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 में। और इधर अपना एल को भी अच्छा खासा चगिंग कर रहा है, इसका चगिंग साउंड को भाई सही है। जितना भी स्ट्रेस डिप्रेशन एंजाइटी होता है ना सब दूर हो जाता है, इसका चगिंग एक थेरेपी है गाइस। एल को का चगिंग भी एक थेरेपी होता है और ईएमडी का हमिंग भी। ठीक है, मैं ईएमडी के हमिंग को साइड में रखूँगा, इसका चगिंग एक थेरेपी है। तो बगल में आप लोग देख सकते हैं लकी जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 2। चलिए थोड़ी दूर में चलते हम लोग देख सफाई कर देंगे, चलिए हाँ वही देख सफाई कर देते हैं। तो गाइज अभी हम लोग पहुंच चुके हैं एक लकी जंक्शन में और एक सेकेंड यहाँ पे किसी ट्रेन का तो अराइवल चल रहा है। WDM 3A के साथ कोई ट्रेन है शायद से गाइज, मेरे हिसाब से गाइज ये है WDM 3A MLDT के साथ अपने गोल्ड लिंक एक्सप्रेस सियालदह बालूरघाट। हाँ तो गाइज सामने का जो ये कोच आप लोग देख रहे हैं ना कोचेस का, ये है अपना गोल लिंक का कोचेस, जो आधा कोचेस है वो गोल लिंक का है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं स्लीपर के कोचेस भी है और दो एसी के कोचेस। ये रहा अपना AC 2 टायर का और ये AC 3 टायर। अब AC 3 टायर के बाद इधर आप लोग देख सकते हैं SLR आ जाता है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है अपना मालदा टाउन बालूरघाट इंटरसिटी एक्सप्रेस। ठीक है, मतलब आधा ट्रेन गोल एक्सप्रेस का है और आधा ट्रेन जो है अपना मालदा टाउन बालूरघाट इंटरसिटी है। आधा कोच सियालदह से आया है और बाकी का आधा कोच मालदा से। और इसी ट्रेन का अपना अराइवल यहाँ हो चुका है कंप्लीट। सो गाइस यही था आज का वीडियो, कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो तो लगभग 15 मिनट का हो ही गया, अब और क्या मैं इसको अगली घंटे तक ले जाऊँगा गाड़ी को।
ठीक है, तो यही था आज का वीडियो, कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। और इधर अपनी गोल्ड एक्सप्रेस का भी अराइवल हो चुका है और ये अपनी ट्रेन अराइव की है प्लेटफॉर्म नंबर 3 में। अब इसी के साथ चलते हम लोग को प्लेटफॉर्म नंबर 1 में डाल दिया गया था क्योंकि ये गाड़ी जो है प्लेटफॉर्म नंबर 3 में आ रही थी। ठीक है, सो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए स्टे सेफ और बाय।